किसानों का सारा कर्जा माफ हो गया। अब ये सवाल पूछते हैं कि कैसे करोगे। हम वैसे करेंगे जैसे 2009 में मतदार मनमोहन सिंह ने किया था 78,000 करोड़। ये कहते हैं कि कैसे 2500 रुपए में धान गेहूं हमारा खरीदोगे, गन्ना 400 में कैसे खरीदोगे। वैसे करेंगे, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, हम वहाँ खरीद रहे हैं, वैसे खरीद लेंगे। और बहुत से अगर लोगों का मान लीजिए सीधा वास्ता न हो तो देहात से होगा, जब से भाजपा आई है छोटा जानवर से फसल बर्बाद हो रही, रात रात भर किसान ताक रहा है। तो जैसे इन्होंने आपकी फसल को चराया है, चुनाव में इनको भी ऐसा चल लो कि 15-20 साल भाजपा उठने न पाए। इन शब्दों के साथ सम्मेलन है जो प्रदीप माथुर जी संयोजक के रूप में कर रहे हैं। मैं दो बातें साफ कर दूं, आज मैंने एक बदला हुआ मथुरा वृंदावन देखा है। मथुरा वृंदावन में आज इतना प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी कि ऊपर से बारिश हो रही, बेइंतहा ठंड है और आप और हम दोनों उसको महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग भाषण अगर सुन रहे हैं तो चुनाव परिणाम तय है। यहाँ कांग्रेस का झंडा लहराएगा, 5 साल बाद फिर एक बार प्रदीप माथुर जी यहाँ से चुनकर जाएंगे। कांग्रेस यूपी में कितनी सीट जीतेगा सर चुनाव दिए? प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उतनी सीटें हमें अवश्य मिल जाएंगी जितनों से उत्तर प्रदेश का बहुमत हो जाए और कांग्रेस की सरकार बन जाए। मैं जरा सा अपनी बात कह लूं, फिर उसके बाद आप सवाल जो पूछेंगे उसका जवाब भी दूंगा मैं।